बढ़ती महंगाई और निजीकरण को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कसा तंज, तो लोग भी करने लगे कमेंट्स। बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। पेट्रोल डीजल और खाद पदार्थों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के कई प्रवक्ता महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस युवक कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने भी महंगाई और निजीकरण के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। वैधानिक चेतावनी, मोदी सरकार स्वास्थ्य, धन और भविष्य के लिए हानिकारक है। इसी के साथ उन्होंने एक फोटो क्लिप शेयर करी है जिसमें लिखा हुआ है अब की बार बिकेगा घर द्वार। उनके इस ट्वीट के बाद के यूजर्स भी इस पर रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषि सिंह भी नाम के यूजर लिखते हैं सावधान, जनता महाराजा शहंशाह आलम 2022 में डाका डालने आ रहे हैं। इसी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं अब की बार बिकवा दूंगा घर द्वार। तो अनुराग कश्यप नाम के यूजर लिखते हैं किडनी और गुर्दों की बोली कब लगवा रहे हैं मोदी जी। तो दीपक ठाकुर नाम के यूजर लिखते हैं वैधानिक चेतावनी, मोदी को वोट देना आपकी जेब और तिजोरी के लिए हानिकारक है। तो एक यूजर लिखते हैं घर द्वार के बाद चड्डी पे बात। तो अरुण कुमार नाम के यूजर लिखते हैं रहेगा तब ना बिकेगा 2024 के लिए, अभी 3 साल बचे हैं। तो महेश मालवीय नाम के एक यूजर लिखते हैं सर जी घर बार तो कोरोना ने खत्म कर दिया, मुझे तो चड्डी बनियान की चिंता सता रही है, वो भी महंगाई और बेरोजगारी ना छीन ले। तो शाहिद खान नाम के एक यूजर लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोज कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर नहीं तो भारत में हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ जाते हैं। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जिस पर अपनी रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।